हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ अच्छिता की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं गाइस चिकन लवर्स के लिए चिकन बटर चिकन। ये देखिए, मैंने 1 किलो के करीब चिकन लिया हुआ है। इसमें क्या क्या सामग्री पड़ती है ये मैं आपको बताती हूँ। ये चिकन है, ये बटर है जिसमें हम पहले फ्राई करेंगे चिकन को। बटर है जिसमें हम चिकन को फ्राई करेंगे। देखिए, पहले ये चिकन में हम दही लगा के रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसमें मैंने नमक, हरी मिर्च और इसमें क्या बोलते हैं, हरा धनिया काट दिया है। इसमें एक चीज़ है कि इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं होगा, केवल हरी मिर्च का ही यूज़ होगा। हरी मिर्च और काली मिर्च की मात्रा ज़्यादा होगी जिससे तीखा करेंगे। 3 बड़ी प्याज है पेस्ट के लिए। ये खड़े मसाले हैं जिसको मुझे पेस्ट में डालना है। काली मिर्च, हरी इलायची, दालचीनी, जावित्री और ये पोस्ता दाना है। आधा चम्मच जीरा है, 4 से 5 लौंग है और ये बड़ी इलायची 2 है। तड़के में गए हम डालेंगे 1 बड़ी इलायची, तेजपत्ता और दालचीनी और हरी इलायची। पेस्ट में पड़ेगा काजू। ये मैंने 2 चम्मच के करीब काजू ले रखा है। और पेस्ट में सूखी धनिया, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। देखिए, चलिए हम बनाते हैं चिकन को, मैरिनेट करते हैं चिकन में। पहले हम ये डालेंगे, मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया है, पहले वो लगा देंगे। इसमें देखिए अदरक लहसुन लगा दिया मैंने, पेस्ट जो बनाया था। और इसमें थोड़ा सा आधा नींबू निचोड़ देंगे। आपको जितना खट्टा रखना है उतना आप रख सकते हैं। ये दही डाल, दही का पानी निथरा होना चाहिए जिससे दही हमारी पूरी अच्छी तरीके से उसमें कोटिंग लग जाए चिकन में, नहीं तो फिर वो पानी छोड़ेगी तो फ्राई करने में चिकन हमारे खराब हो जाएगा। एकदम थिकी दही चाहिए गाइस। ये बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है बटर चिकन। आप इसको घर पे जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, हमारा मैरिनेशन के लिए चिकन रेडी हो गया है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम पेस्ट तैयार करेंगे प्याज और ये खड़े मसालों का, और काजू और हरी मिर्च का। इन चीज़ों का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। और बटर में ही हम जो भी चीज़ बनाएंगे गाइस, हम सब बटर में बनाएंगे, तभी तो बटर का फ्लेवर आएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप बटर सॉल्ट वाला ले रहे हैं तो नमक की मात्रा कम रखिएगा, नहीं तो उसमें इसमें भी नमक होगा है रहता है, और आप नमक ज़्यादा डाल देंगे तो टेस्ट सारा बिगड़ जाएगा। इसमें हम आधा कप के करीब क्रीम भी डालेंगे जिससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए, ये हम इसका पेस्ट तैयार कर रहे हैं। सारे खड़े मसाले डाल देंगे हम इसमें। इसमें लाल मिर्च की मात्रा नहीं ज़रूरत है लाल मिर्च की, इसमें केवल हम इसी को यूज़ करेंगे, हरी मिर्च और काली मिर्च, इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें बटर डाल दिया। पहले आप किसी भी जिसमें बना रहे हो उसमें 2 चम्मच रिफाइंड डाल दीजिए, फिर उसके बाद बटर, इससे बटर जलेगा नहीं। और बटर मेल्ट होने से पहले ही आप इसमें ये पीसेस डाल दीजिए जो मैरिनेट करने को रखें, वो आपको रखें, तो जो बटर का फ्लेवर है उसमें अच्छे से आ जाएगा। एक साथ मैं डाल दूंगा, थोड़ा थोड़ा भी फ्राई कर लूंगा। ये देखिए, दूनी आते ही इसको थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको सभी इधर बड़े हुए हैं, जो फ्राई हुए हैं, जो बटर बचेगा इसी बटर में ही हम ये जो हमने मसाला तैयार किया है काजू और प्याज और सारे खड़े मसालों का, उसको बस भून के फिर हम ये चिकन डाल देंगे इसमें। और बटर में ही, अगर बटर आपको कम लगता है, बटर कम लगता है तो इसमें बटर और ऐड करके ये सब सामान डाल दीजिए। और चिकन मसाले, गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल के ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से आप फ्राई कर लें। और जो इसमें ये जो थोड़ा सा मसाले लाल हो गए, धनिया वगैरह, वो आप प्लीज़ फेंकिएगा नहीं, इससे और अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने चिकन अभी फ्राई कर लिया है, देखिए फ्रेंड्स, जो हमने चिकन अभी फ्राई कर लिया है,
अभी इसी जो बटर बचा था उसमें मैंने और बटर ऐड करके अब इसमें हम सारे खड़े मसाले डाल देंगे। अब बटर चिकन बन रहा है तो फिर हरी मिर्च सारे खड़े मसाले मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे, ये नमक और थोड़ा सा दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम लाल बटर में भी है। अब हमने जो चिकन फ्राई किया था उसको हम डाल देंगे। एकदम अलग नया टेस्ट है, नया टेस्ट तो अगर घर पर बनाए तो नया ही है। हम इसमें जो दही मैरिनेशन में बची थी वो हम डालेंगे। जो चिकन तो केवल हम लोग ने फ्राई किया था कलर देने के लिए, उसको हम पकाने के लिए थोड़ा सा पानी, जब इस पर क्रीम ऐड हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेस्टी है ये राइस। चिकन बन के रेडी हो गया है ये, अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। चिकन खाने के लिए रेडी है राइस, इसमें थोड़ी सी धनिया ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, चिकन बन के रेडी हो गया है, आप इसको घर पे बनाइए बटर चिकन को, बहुत ही अच्छा बहुत ही डिलीशियस बनता है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें, टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है इसका। आप घर पे बनाइए, कमेंट्स करिए कि कैसा बना है बटर चिकन। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सब्सक्राइब भी गाइस ज़्यादा से ज़्यादा करिए प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय गाइज़।